श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम अध्याय है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय एक श्लोक से 18 श्लोक तक है। 19 श्लोक से 23 श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा कही गई है। 24 श्लोक से 32 श्लोक तक फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन है। 33 से 42 श्लोक तक ज्ञान की महिमा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। इमं विवश्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवश्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। सकालीनेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मयातीत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येत्तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवश्वतः। कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपिषन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपिषन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्म्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशेषुभा। कर्मणो यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलाशङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यविप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्। यद्विच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। शमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्मा समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपाशते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाण्यग्निषु जुह्वति। सर्वाण्यन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगती वृद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माश्किलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वान पुनर्मोहमेवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति। यथैधांशिषमिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च सत्तधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः। तस्मादज्ञानसम्भूतं मृस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगमात्तिष्ठो तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।